दिल्ली विधानसभा का 2 दिन का सत्र बुलाया गया है और कई खास मुद्दों पर चर्चा भी होगी। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जो तमाम मुद्दों पर चर्चा होनी, उनमें सबसे अहम मुद्दा जो आज का माना जा रहा है दिल्ली पुलिस आयुक्त की नियुक्ति का है, ये जो विषय है इसको लेकर काफी विवाद हुआ है। देखिए, इस पर विवाद चल रहा है, सभी विपक्षी दलों ने उसकी आलोचना की और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि पूरा भारत गुजरात के कैडर को सौंप दिया गया। ये कहां तक उचित? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गुजरात के हाथ और दिल्ली पुलिस कमीशन, वो 31 जुलाई को रिटायर होने वाले थे और उनको इमीडिएट ला करके कोई चर्चा नहीं, कोई बातचीत नहीं, दिल्ली की बागडोर अनकॉन्स्टिट्यूशनल वे में सौंप दी गई। कॉन्स्टिट्यूशन अधिकार नहीं देता उस पर, इसलिए चर्चा मांगी गई है, चर्चा होगी। लेकिन जहां तक जिस तरह से नियुक्ति पर सवाल उठाया जा रहा है, ये सदन के अंदर इस मामले पर चर्चा होगी तो उसको लेकर काफी हंगामा भी हो सकता है, इन तमाम चीजों का भी ध्यान रखा। मुझे एक बात बताइए, वो केंद्रीय पुलिस कमिश्नर नहीं है, उत्तर प्रदेश पुलिस कमिश्नर नहीं है, वो दिल्ली पुलिस कमिश्नर बने हैं और दिल्ली की विधानसभा में उस पर चर्चा नहीं होगी तो क्या उत्तर प्रदेश की विधानसभा में चर्चा होगी? दिल्ली पुलिस कमिश्नर है, दिल्ली के लोगों से जुड़ा मुद्दा, तो उसकी चर्चा दिल्ली विधानसभा में नहीं होगी, क्या उत्तर प्रदेश में होगी या हरियाणा में होगी? कहाँ? दिल्ली में दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार के बीच में हमेशा से तनातनी रही है और राकेश अस्थाना की नियुक्ति को लेकर इसलिए भी सवाल खड़े हो रहे हैं सर, क्योंकि बीजेपी का करीबी माना जाता है उन्हें। देखिए, मैं बहुत एक स्पष्ट बात करता हूँ और मेरे लिए बड़ा अच्छा लगा, अभी जो कमिश्नर श्रीवास्तव जी नियुक्त हुए थे मेरे 7 साल के कार्यकाल में, या तो पटनायक जी का मेरे पास फोन आया था या श्रीवास्तव जी का फोन आया, बड़े अच्छे ढंग से उन्होंने बात की, कोई समस्या हो आपके पास आए सीधा मुझे बताएं। आई वॉज वेरी हैप्पी ऑन दैट डे, लेकिन क्या मालूम था कि उन पर गाज गिर जाएगी। अच्छे व्यक्ति इनको स्वीकार नहीं है कहीं भी स्वीकार नहीं, तो इसलिए मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि इमीडिएट रद्दो बदल हो गया, ठीक नहीं। सुंदरलाल बहुगुणा को भारत रत्न देने का भी एक प्रस्ताव आज विधानसभा में रखा जाएगा सर। देखिए, सुंदरलाल बहुगुणा भारत के गांधियों पर अगर विचार किया जाए, महात्मा गांधी जी के बाद विनोबा भावे के बाद सीमांत गांधी, और फिर उसके बाद हम उस गांधी जी की श्रेणी में रखें सुंदरलाल बहुगुणा, जिन्होंने 17 साल की उम्र से आज़ादी के आंदोलन में कूद गए, पहाड़ों में नशे के खिलाफ धरने पर बैठे 15 दिन और फिर पर्यावरण की चिंता उस वक्त उन्होंने की कि पर्यावरण जो बिगड़ रहा है पेड़ों को बचाया जाए, कटने से बचाया जाए। जिस व्यक्ति की एक आवाज़ पर लाखों लोग पेड़ों से चिपक गए वो अपने आप में भारत रत्न थे, उससे बड़े भारत रत्न और कौन हो सकता है। इसलिए मांग की और विधानसभा का गौरव है इस बात पर कि हमने उनका स्मारक भी यहाँ बनाया। तो विधानसभा अध्यक्ष का साफ तौर पर कहना है कि दिल्ली में एक गुजरात कैडर के आईपीएस अधिकारी की नियुक्ति करना, इस पर दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्ति करना, इस पर अगर चर्चा होगी तो दिल्ली विधानसभा के अंदर ही होगी। कैमरा पर्सन डीसी मंजू के साथ अंजलि सिंह, एबीपी न्यूज दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।